So I have started the recording as well. We will be starting today's lecture, जो कि basically IRA Industrial Relation Act 2012 है, उसका section 2 है. अब section 2 में 33 definitions है in total, ठीक है. तीन दफ़ा एक्स और आगे रोमन में 1, 2, 3 III लिखा होगा, तो 33 definitions है. आप लोग ये बाद में एक्ट में भी देख सकते हैं. इधर अगर काउंट करें तो ए में दो डेफिनेशन है. मतलब ये मैंने इसलिए लिखा कि थोड़ा मुझे याद रह जाए, या मेरे कोई चार्ट पेपर देखना हो कि इस सेक्शन में कितनी डेफिनेशंस हैं, तो मैंने ये चार्ट पेपर बना लिया या एक फ्लो चार्ट बना लिया. ये कल भी मैंने मेंशन किया था कि इस पूरी डेफिनेशन जो सेक्शन है, इसमें जो क्लॉजेज हैं, ए से अल्फ़ाबेट ए से दो डेफिनेशन है आर्बिट्रेटर और अवार्ड की, बी से बेंच है, सी से फिर फाइव डेफिनेशन है मेन. अगर आपने क्रॉस चेक जल्दी में करना हो तो ये आपके पास अगर फ्लो चार्ट या डायग्राम होगी तो आप उसे देख सकते हैं कि वेदर ये डेफिनेशन है या नहीं. मुझे ज़रूरत है इसी में देखूँ या किसी और लॉ में देखूँ, एक तो ये उसके लिए हेल्पफुल है. दूसरा, अगर आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है तो तब भी आप जो है मतलब अब देख सकते हैं. कोई एक टीचर डेफिनेशन दे देती है तो अगर आपने इसको देखा होगा तो आप फ़ौरन देख सकते हैं. वो पूछती हैं कि वेदर दिस टर्म इज़ डिफाइंड इन IRA इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट और नॉट, वेदर दिस टर्म इज डिफाइंड अंडर लॉ और नॉट. तो अगर आपको ये चीज़ें मतलब आपने इतना क्लीनली देखा हुआ होगा तो आपको याद होगा कि वो टर्म इसमें थी या नहीं थी, ठीक है. अब जैसे डेफिनेशन स्टार्ट विद अल्फाबेट ई में एम्प्लॉयर है, इस्टेब्लिशमेंट है और एग्जेक्टिव है. अब यहाँ पे एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है, लेकिन इस पूरे डेफिनेशन क्लॉज में एम्प्लॉय की नहीं है, वर्कमैन की डेफिनेशन है. तो अगर टीचर कहती है कि एम्प्लॉय को क्या एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है, तो आप उसमें पार्शियल आंसर देंगे कि एक्सप्लिसिटली वर्ड एम्प्लॉय यूज़ नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए वर्कर और वर्कमैन की डेफिनेशन है, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 में है. वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, जो अल्फ़ाबेट W से स्टार्ट होंगे उसमें वर्कर या वर्कमैन की डेफिनेशन मैंने दे दी है. तो इस तरह आप मेंटली खुद को तैयार रख सकते हैं उसके लिए. इसको हम बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सिंपल है कि आई से इतने वर्ड्स हैं, ये सिर्फ क्रामिंग के लिए या याद रखने के लिए है. अब हम आगे जाते हैं. तो हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है, उन्होंने कह दिया कि सिंपली लिख दिया कि आर्बिट्रेटर कौन होगा. वो ऐसा इंसान होगा, ऐसा पर्सन होगा जो कि अपॉइंटेड है एज अंडर सेक्शन 40. सेक्शन 40 जो है इस एक्ट का, उसका टाइटल है आर्बिट्रेशन. उसमें वो ये बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा बंदा अपॉइंट करेगा कमीशन, ठीक है, या ऑलरेडी वो पैनल पे होगा या वो सिलेक्ट करेंगे, और वो जो है वो बैठ के बात करेंगे. फॉर एग्जांपल दो पार्टीज का कोई इंडस्ट्रियल, मैम, आपकी आवाज फ्लक्चुएशन आ रही है आपकी आवाज में, और सेंटेंस कंप्लीट होते ही ये फ्लक्चुएशन आ जाती है, बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा इस इश्यू को देख लें. चलिए मैं इसको देखती हूँ. अभी कुछ क्लियर हुआ है? इस नेट का थोड़ा सा इशू शायद आए. जी मैम, अब क्लियर है. ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन थी आर्बिट्रेटर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि अ पर्सन अपॉइंटेड एज अंडर सेक्शन 40. सेक्शन 40 को भी आप जाके पढ़े तो उन्होंने कोई बहुत हाई फाई डेफिनेशन नहीं दी, उसमें बस लिखा हुआ है कि एक कंसीलिएटर होगा, मतलब एक बंदा है जो दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट कराएगा, ठीक है. अब वो उसको कौन अपॉइंट करता है, कमीशन अपॉइंट कर सकता है. फिर जो है जो और फिर वो एक अवार्ड, मतलब अवार्ड जो उसका डिसीजन होगा ना, उसको उन्होंने अवार्ड कहा है. जो भी उसके टर्म्स जो है वो आखिर में कंक्लूड करेगा, उसको उन्होंने अवार्ड कहा है. और उसमें लिख दिया कि जो आर्बिट्रेटर है उसका जो अवार्ड होगा, जो डिसीजन होगा, वो फाइनल होगा और उसके अगेंस्ट अपील लाए नहीं करती, ठीक है. और इसके साथ उन्होंने सेक्शन 40 में लिख दिया कि अवार्ड शेल बी वैलिड फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स एज मे बी फिक्स बाई आर्बिट्रेटर, ठीक है. कि जो मिनिमम जो उसका टाइम है, जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन होगा, वो 2 साल के लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा. ये सेक्शन 40 में है. सिंपल डेफिनेशन क्लॉज में लिखा कि ऐसा बंदा जो अपॉइंट हो अंडर सेक्शन 40, और सेक्शन 40 में उन्होंने जनरल बातें की कि एक कंसीलिएटर होगा और दोनों पार्टीज को परसुएट करने की कोशिश करेगा. किस लिए परसुएट करेगा? कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट लेबर लॉ के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, उसको हेल्प करेगा. तो वो बंदा जो है आर्बिट्रेटर कहलाएगा, ठीक है. अवार्ड क्या है? डिटर्मिनेशन बाय कमीशन और आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर वही बंदा हो सकता है जिसको कमीशन ने अपॉइंट किया हो, ठीक है. तो वो जो पॉइंट्स डिटरमिन करेगा आफ्टर कंसीलिएशन, दोनों की बातों सुन के, उनसे बातचीत करके, तो वो जो है वो अवार्ड होगा.
बता दिया कि अवार्ड किस चीज़ का होगा, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा या कोई भी ऐसा मैटर जो रिलेट कर रहा हो, ठीक है। इसमें इंटरिम अवार्ड भी हो सकता है। इंटरिम का मतलब होता है कि फॉर द टाइम बीइंग, कि मतलब अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन आर्बिट्रेटर कह रहा है कि आप ये पार्शल पार्शल आप दोनों फॉलो करें, ये ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ है उसको इंटरिम अवार्ड कहेंगे। तो उस अवार्ड में इंटरिम अवार्ड भी शामिल है, मतलब वो आर्बिट्रेटर को पावर दे रहे हैं कि आप आर्बिट्रेटर को पावर दे रहे हैं कि वो आप इंटरिम अवार्ड भी दे सकता है फॉर द टाइम बीइंग, कि ये फॉलो कर लें जब तक कि टोटल डिसीजन नहीं आता। बाकी सब अगर अपना माइक म्यूट कर दें। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, बेंच। बेंच को सिंपल उन्होंने कहा कि बेंच क्या होगा, फुल बेंच ऑफ कमीशन, जितना भी लोग होंगे कमीशन में, अगर वो एक साथ बैठे हैं और डिसीजन सुन रहे हैं तो वो बेंच होगा, ठीक है। चैट, आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही सही है। जब है, ऐसा और हो ज़्यादा गया। मसला हो ना, फिर आप मुझे कोई एक अनम्यूट करके एक बंदा बता दे, क्योंकि बार बार मैं मैसेज पे जाऊंगी तो फिर बीच में मेरा एक तो टाइम वेस्ट होगा और फिर सारी कंसंट्रेशन उधर चली जाती है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। इसको मैंने इतना पॉइंट में वह एक एक चीज़ टाइप करके आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोग बाद में भी इसको पढ़ें तो आपको याद हो जाए, जब लेक्चर सुने तो स्क्रीन भी देखें तो आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए। अदरवाइज खुद आपने डेफिनेशन क्लॉज, आई डैम श्योर कि आपने कभी भी नहीं पढ़ना, 33 डेफिनेशंस हो, 5 भी हों, तो हमारी जनरल ट्रेंड बन गया स्टूडेंट्स इतने गौर से नहीं पढ़ते। तो इसको एक सीक्वेंस से लेके चलने का मकसद ये है कि आप गौर करें। अब जो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कौन सी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी जो फोर्थ डेफिनेशन है कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस परस्पेक्टिव से कि इस पे भी एक पूरा चैप्टर, एक पूरा सेक्शन है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट से रिलेटेड है या उसकी जो ड्यूटीज है उससे रिलेटेड है, तो वो हमने आगे जाके भी पढ़ना है। तो ये डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सवाल कलेक्टिव बार्गेनिंग या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट से होता है तो आप उसमें अगर सवाल के शुरू में इंट्रोडक्शन के बाद हेडिंग देते हैं रेलेवेंट लॉ की, तो आप उसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 जो है लिख सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का एज अ रेलेवेंट लॉ, ठीक है। इट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू अदर देन द अदर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो है इट इज़ इन रिलेशन टू इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने हर जगह लिखा हुआ है इन रिलेशन टू इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट को इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है, और ग्रुप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को भी इंडस्ट्री कह सकते हैं। इंडस्ट्री एक बड़ी टर्म होगी, उसके अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट या एक से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट्स हो सकती हैं, तो ये आपने दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। इन रिलेशन टू इस्टेब्लिशमेंट और ग्रुप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री, इन्होंने तीनों बातें कह दी कि आप जो भी कहें कि इस्टेब्लिशमेंट है, ग्रुप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है या सिंपल इंडस्ट्री कह रहे हैं, उसमें जो है मीन्स ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन अंडर सेक्शन 19। ट्रेड यूनियन कैसे होगी, ट्रेड यूनियन रजिस्टर कैसे होती है, उसका फॉर्म क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो सारा एक सेक्शन है। तो कह रहे हैं कि कोई भी जो इन रिलेशन टू इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है ट्रेड यूनियन है वर्कमैन की, जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उनकी एक यूनियन है और उनका एक एजेंट है, ठीक है। उनका एक समझ लें आम लैंग्वेज में कि उनका एक हेड है जो निगोशिएट करेगा आगे, तो इज एजेंट ऑफ वर्कमैन इन द मैम आवाज कट एस्टेब्लिशमेंट। रही है आपकी। इन रिलेशन टू, अभी कुछ बेहतर हुई है? यस अभी बेहतर हुई है मैम, पहले स्टार्टिंग में बहुत बेहतर कट रही बेहतर हो थी। जाता। गिव मी अ मिनट, अगर मैं इसको ना चेंज कर लूँ, रोटेशन चेंज कर लेता। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी मैम, सो वी आर एट फोर्थ डेफिनेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में या ग्रुप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में अगर एक ट्रेड यूनियन है जो कि जो सारी बनेगी पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो कि अंडर सेक्शन 19 प्रोवाइडेड है, उसका जो एजेंट होगा, एजेंट ऑफ वर्कमैन, उसको आप कह लें कि समझो उस यूनियन का एक हेड है इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में और वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या मतलब है, विन विन सिचुएशन होगी दोनों साइड में। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, वेदर वो एक बंदे का है, वेदर ग्रुप ऑफ बंदों का है
या किसी और टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड है, तो उसको अगर सॉर्ट आउट कराना है आपका एम्प्लॉयर और वर्कमैन, मतलब जिसने आपको नौकरी दी और जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट आ गया है, तो उस सिचुएशन में अगर सॉर्ट आउट कराना है तो एक बंदा आपकी तरफ से कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होगा, वो कलेक्टिव इंटरेस्ट को देखेगा, कलेक्टिवली बार्गेन करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये आपने याद रखनी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 4, ठीक है। कमीशन क्या होगा, जो भी कमीशन बना दिया अंडर सेक्शन 53, जब सेक्शन 53 को पढ़ेंगे तो फिर हम देख लेंगे, इसका एक अलहदा से है, लेकिन इन्होंने बता दिया कि कमीशन यहाँ मुराद वही कमीशन है जो इस एक्ट में बात की गई है, वो CPC या CRPC में अगर कोई कमीशन का कोई ऑर्डर है या कोई सेक्शन है वो नहीं है, सिर्फ इस एक्ट के अंदर जो बात की गई है कमीशन की उसकी हद तक ये वाला कमीशन है, ठीक है। कंसीलिएशन प्रोसीडिंग क्या होगी, कोई भी प्रोसीडिंग जो कंसीलिएटर या आर्बिट्रेटर के सामने होगी वो कंसीलिएशन प्रोसीडिंग होगी। कंसीलिएशन का क्या मतलब होता है, कि आप मसले को हल कर लें। एम्प्लॉयर क्या होगा, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की, अब दूसरी इंपॉर्टेंट मेन डेफिनेशन है एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर क्या होगा, यहाँ पे जो व्हाट टू डू, हुम, वेयर, हाउ, ये मैंने लिखे हैं, बाकी बातें सेक्शन के अंदर की हैं। ये जो नीचे टेबल बनाया वो भी मैंने बनाया, लेकिन इसकी बातें जो है वो सेक्शन की लिखी हुई हैं। एम्प्लॉयर क्या है, अब इन्होंने हर बात में लिखा हुआ इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट मीन्स, कि आप क्योंकि आप बात ही इंडस्ट्री की करके हैं, आप बात ही इस्टैब्लिशमेंट की कर रहे हैं, आप बात ही लेबर लॉ की कर रहे हैं, तो वो हर जगह मेंशन करते हैं इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट मीन्स एनी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है रजिस्टर्ड हो या ना हो, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्टर्ड आपकी जो कोई इंडस्ट्री है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। एक तो जो स्टूडेंट्स लेट आते हैं उनकी वजह से सारी कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाती है। इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट मीन्स एनी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट हु और विच एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर कौन होगा, कोई भी ऐसा एक बंदा या बॉडी ऑफ पर्सन डिपार्टमेंट, वेदर वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, जो काम करता है, हु और विच एम्प्लॉयज, जो कि एम्प्लॉय करता है, किसको एम्प्लॉय करता है, हुम, किसको एम्प्लॉय करता है, किसी वर्कमैन को एम्प्लॉय करता है, वेयर इन द एस्टैब्लिशमेंट। एम्प्लॉयर हम बता रहे हैं बेसिकली सिंपल वर्ड में, तो यही वही बंदा ना जो आपको हायर कर रहा है, वो मैनेजर हो सकता है, कोई ऑफिसर ऑथराइज हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट ऑथराइज हो सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे आपको क्लियर कर डेफिनेशन बता दी और आपने उसके हर कंपोनेंट को पढ़ना है ताकि आपको क्लियर हो कि एक ऐसा पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट हु और विच एम्प्लॉयज, उसका मेन काम क्या है, कि वो एम्प्लॉय करता है, किसको एम्प्लॉय करता है, वर्कमैन को एम्प्लॉय करता है, कहाँ पे करता है, उस एस्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में करता है, हाउ, कैसे करता है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। रैंडमली नहीं कहेगा आओ जी मेरे साथ काम करो जी, मेरी ये फैक्ट्री है, थोड़ा सा तुम भी हाथ बटाओ, तुम्हें मैं पैसे दूंगा, ऐसे नहीं है। प्रॉपर जो है वर्कमैन को उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करेगा अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और उसमें पांच बातें जो है इंपॉर्टेंट हैं कि बता, वो ये बता रहे हैं कि इसमें और कौन से बंदे बेसिकली इंक्लूड होंगे। तो कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉयर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी डेथ होती है या कोई और मसला हो जाता है, तो उसके हेयर, सक्सेसर या कोई ऐसा बंदा जिसको उसने असाइन की है अपनी ड्यूटीज, ठीक है, ऑफ पर्सन एफोरसेड, मतलब एम्प्लॉयर था, एफोरसेड का मतलब है जो पहले बता दिया, पहले क्या बताया था, एम्प्लॉयर का बताया था, तो कह रहे हैं कि वही एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं रहा तो उसका हेयर, सक्सेसर या असाइनी वो भी एम्प्लॉयर ही कहलाएगा, क्योंकि वो उसकी ड्यूटीज को आगे लेके चलेगा, ये भी कंडीशन है। फिर इसमें वो बंदे भी आ सकते हैं कि ये सारे एक साथ नहीं आ सकते, एक एक सिचुएशन बताई हुई है, अगर आपने खुद कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि वेदर ये एम्प्लॉयर है या नहीं, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। तो दूसरे में ये बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है दो कामों के लिए, मैनेजमेंट करे या कंट्रोल करे, किसको करे, एस्टैब्लिशमेंट को, तो वो भी एम्प्लॉयर ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम हॉस्टल्स में होते हैं तो मेन जो ओनर है वो नहीं होता, वार्डन होती है, तो अगर हमें तो रूम वो दिखाती है, हम पैसे उसको देते हैं, तो हमारे लिए वो ही एम्प्लॉयर हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ तो हम रहने के लिए आए ना, फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम शाम करने आए, सफाई शफाई करने आए हैं, तो ये वार्डन डील करेगी, ओनर कोई और है, तनख्वाह भी हमें वार्डन दे रही है, बात भी हमारी वार्डन से हुई है, तो ये मैनेजमेंट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो अगर हम यहाँ के काम करें तो हमारे लिए एम्प्लॉयर वो वार्डन ही होगी, ठीक है। बहुत सिंपली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए
establishment run under or in relation to any department of federal government. C और D में आपने बहुत गौर करना है, ठीक है. C और D में जो है, C में बताया गया है कि under और in relation, under और in relation to किस से, federal government से. C में बताया गया, D में बताया under और in behalf of local authority. तो इसमें एक federal government और दूसरा local authority का जो है डिफरेंस है. और फिर ये बता रहे हैं कि सी में एस्टैब्लिशमेंट रन अंडर और इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंटेड ऑन दिस बिहाफ, ठीक है. कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी इंडस्ट्री, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर या उसके साथ मिलके कोई एक काम कर रही है, तो जो उन्होंने बंदा अपॉइंट किया है ना, वो आपका एम्प्लॉयर होगा, अथॉरिटी अपॉइंटेड. और अगर नहीं अपॉइंट किया, तो जिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम करे, उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा ना, वो जो है वो आपका एम्प्लॉयर होगा. फिर ये सी में बात है. डी में क्या कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट रन और अंडर और ऑन बिहाफ ऑफ लोकल अथॉरिटी, ठीक है. अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट उसके अंडर काम कर रही है या उनके बिहाफ पे कोई काम कर रही है, तो फिर आपका एम्प्लॉयर कौन होगा, एक या तो वो बंदा हो सकता है जो उन्होंने खुद अपॉइंट कर दिया, लेकिन अगर वो नहीं है तो वो ऑफिसर होगा जो कि CEO ऑफ दैट अथॉरिटी होगा. उस लोकल अथॉरिटी का जो CEO है, आप उसको एम्प्लॉयर कहेंगे. अगर आपने कोई केस करना है तो आप उसका नाम लिखेंगे. अगर आपने डायरेक्ट बात करनी है, एप्लीकेशन भेजनी है, उसको भेजेंगे, क्योंकि मेन एम्प्लॉयर आपका वो कंसीडर होगा, अगर एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कि कौन है उसके बिहाफ पे, ठीक है. स्टूडेंट्स आ रहे हैं और साथ साथ लेनी है अटेंडेंस. खुबाब आप भी एक दफ़ा देख लें, शिराज को मैंने बोला है, और अटेंडेंस मुझे पूरी चाहिए, ठीक है. और ई पॉइंट मैं देख रहा हूं, मैं साथ साथ देख रहा हूं, ठीक है. इन रिलेशन, ओके मैम, मैं दे देता हूं, ठीक है. इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, कह रहे हैं कि अब ई पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, द प्रोप्राइटर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, ऑफिसर. यहां उन्होंने बहुत सी बातें जो है वो कंक्लूड कर दी कि कौन-कौन बंदा एम्प्लॉयर हो सकता है. प्रोप्राइटर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, सेक्रेटरी है, एजेंट है, जो मेन बंदे के बिहाफ पे काम कर रहा है और आपने सारी बात उससे की है, तो वो जो है आपका एम्प्लॉयर कंसीडर होगा. अब यहाँ पे प्रोप्राइटर कौन होता है, कौन होता है प्रोप्राइटर, कौन बताएगा? खुबाब आप बताएं. नहीं पता तो बोल दें, कोई मसला नहीं है. मैं थोड़ा लेट आया था तो मैंने सुना नहीं है सही से. अभी मैंने पढ़ाया है, किसी को मैंने इससे पहले पढ़ाया ही नहीं. अच्छा छोड़ो, प्रोप्राइटर होता है ओनर ऑफ अ बिजनेस. यहाँ पे वर्ड आया था, उसकी मीनिंग पूछ रही थी, और कुछ नहीं पूछ. कह रहे हैं कि इस एस्टैब्लिशमेंट से या एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट जो इस इंडस्ट्री के अंदर ही फॉल करती है, उसका कोई ओनर, कोई डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट या ऑफिसर है, वो भी एम्प्लॉयर कंसिडर होगा. क्यों? अगर उसने आपको एम्प्लॉय किया है, आपको या किसी वर्कमैन को एम्प्लॉय किया है, कहाँ पे किया है, इन द एस्टैब्लिशमेंट, कैसे किया है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस पर वैसे 5 मिनट लग गए. यहाँ पे एक और बात भी थी, ई में पर्सन कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स. अगर कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिसको आप डायरेक्टर कहें, मैनेजर कहें, सेक्रेटरी कहें, एजेंट कहें, ऑफिसर कहें, तो जो भी कंसर्न्ड पर्सन है, जो बेसिक मैनेजमेंट कर रहा है, वो भी एम्प्लॉयर, वो फिर एम्प्लॉयर होगा. फिर एस्टैब्लिशमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एस्टैब्लिशमेंट. इससे पहले एम्प्लॉयर था, उससे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी CBA, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, को शॉर्ट फॉर्म में जनरली CBA बोला भी जाता है, CBA लिखा भी जाता है पेपर में, MCQs में, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपने ये याद रखना है CBA, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एम्प्लॉयर, थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है. एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट क्या होगी, कोई भी ऑफिस, फर्म, फैक्ट्री, सोसाइटी, अंडरटेकिंग, कंपनी, शॉप, इंटरप्राइज, ठीक है. आप इसका फर्स्ट वर्ड भी लिख सकते हैं, OFFSUCSE, ठीक है, ताकि याद रहें, अगर आपने सही, बिल्कुल सही याद करना है. कोई भी ऑफिस, फर्म, फैक्ट्री, सोसाइटी, अंडरटेकिंग, कंपनी, शॉप या इंटरप्राइज है, ठीक है. आप सिंपल उसको एस्टैब्लिशमेंट कह देंगे किसी फैक्ट्री, सोसाइटी को, आगे कंडीशंस बता रहे हैं. उसको कहेंगे जो एम्प्लॉय करेगी, किसको एम्प्लॉय करेगी, जो नौकरियां देगी वर्कमैन को, वर्कर्स रखेगी, कैसे, डायरेक्टली और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर है, OR को मैंने इसलिए बोल्ड किया है.
आप ये ना पूछें, ऊपर तो आप कह रही थी कि अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी एम्प्लॉयर होगा, और यहाँ पे अगर सिंपल मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखूं डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका मीनिंग कंट्रडिक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंट्रैक्टर है, कि डायरेक्टली खुद कर लें या कोई कंट्रैक्टर के थ्रू किसी बंदे को एज अ वर्कर आपने एम्प्लॉय किया है, और किस लिए एम्प्लॉय किया है, फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और इंडस्ट्री। ठीक है, उसका पर्पज है कि आप कोई बिजनेस या इंडस्ट्री कोई काम कर रहे हैं। इंक्लूड्स डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस इन ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और फॉलोइंग इन मोर देन वन प्रोविंस। ठीक है, और उसमें उसके बाकी डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस भी हो सकती हैं, लेकिन मेन बात क्या कहने, एस्टेब्लिशमेंट कोई भी ऑफिस हो सकता है, फर्म हो सकती है, फैक्ट्री, सोसाइटी, अंडरटेकिंग, कंपनी, शॉप, एंटरप्राइज, जो कि एक काम करे। लेबर लॉ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट तब भी होगी जो कि एक तो वर्कमैन को एम्प्लॉय करे, ठीक है, और डायरेक्टली और थ्रू कंट्रैक्टर। ठीक है, टर आपने याद रखना है, कंट्रैक्टर, और इसका एक मेन पर्पज होना चाहिए। रैंडमली चैरिटेबल पर्पज के लिए होगा तो वो इंडस्ट्री या वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी। इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आपने देखेंगे उन्होंने लिख दिया एक्सक्लूडिंग दोज वर्किंग फॉर चैरिटेबल पर्पज, तो यहाँ पे उन्होंने आपने लिखना है फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और इंडस्ट्री। ये बोल्ड करके लिखने का कोई मकसद है। ठीक है, मेरे हाथ में बिल्कुल ख़ारिश नहीं हो रही थी कि मैंने इसको बोल्ड किया, आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा केस लॉज मिल जाएंगे, मैं खुद भी बता दूंगी, अगर आपको असाइनमेंट में भी मिलता है जनरली भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और डिफरेंट जो लॉज है, ऑर्डिनेंसेज है, इसी इन्हीं दो डेफिनेशन एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री में थोड़ा काट पीट के चेंज करते हैं, और इस पर बड़े बड़े केस लॉज हैं। ठीक है, एग्जेक्टिव क्या होगा, एग्जेक्टिव वैसे कौन सा होता है जो लॉ मेकिंग करता है। ठीक है, तो उसी से याद रखें, बॉडी बाय व्हाट एवर नेम, जो भी उसको कहें, जिस नाम से भी बुला रहे हो उसके अंडर, टू विच मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ TU, ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है उसके जो अफेयर्स हैं, जो भी मामलात हैं, ये कोई दूसरे वाले अफेयर्स नहीं है, ये मामलात हैं, तो उनको जो मैनेजमेंट कर रहा है, इज़ इंटरेस्टेड बाई इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, ये इंडस्ट्री का जो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, उसके जो भी के सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या क्या काम है, जो उसके अंदर उसको पावर दी गई है, उसमें रहते हुए जो भी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कर रहा है ट्रेड यूनियन का, वो एग्जेक्टिव, तो वो जो है इस डेफिनेशन के अंदर आएगा, उसको हम एग्जेक्टिव कहेंगे। गवर्नमेंट क्या है, क्योंकि IRA 2012 का जो है वो ICT मेनली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए है, तो इसको इन्होंने कह दिया है कि ये गवर्नमेंट यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर पंजाब वाले में आप लोग देखें या सिंध वाले में, तो वहाँ पे लिखा होगा सिंध गवर्नमेंट, बलोचिस्तान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम एम्प्लॉयर सेम इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया इंडस्ट्री की एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर छोटी छोटी जो है और टर्म्स एस्टेब्लिशमेंट्स आ सकती हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट को आप इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स भी एक इंडस्ट्री हो सकती है। कंडीशन क्या है कि उसका एम्प्लॉयर, मतलब ओनर या एम्प्लॉयर जो है वो सेम हो और सेम इंडस्ट्री हो। सेम इंडस्ट्री से मतलब सेम काम करते हो, सेम ऑब्जेक्ट हो, सेम सब्जेक्ट मैटर हो, तो वो ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को भी फिर आप इंडस्ट्री कह सकते हैं। इलीगल लॉकआउट या इलीगल स्ट्राइक, इसमें तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं बताई, बस कहा गया इलीगल लॉकआउट में ऐसा लॉकआउट जो कि डिक्लेयर हो, कमेंस्ड हो, कंटिन्यू हो। इलीगल स्ट्राइक में भी यही बात है, ऐसी स्ट्राइक जो डिक्लेयर्ड हो, कमेंस्ड हो या कंटिन्यूज हो, DCC। ठीक है, अदरवाइज देन इन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कह रहे हैं कि एक लॉकआउट और स्ट्राइक का पैटर्न जो कि लॉ में बता दिया कि लॉकआउट करेगा एम्प्लॉयर, स्ट्राइक करेंगे वर्कमैन। ठीक है, और किसी वजह से करेंगे, कोई डिस्प्यूट है, अगर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, वैसे ही बेतुकी तौर पे एम्प्लॉयर लॉकआउट कर रहा है, बिजनेस बंद कर रहा है, या वर्कमैन स्ट्राइक कर रहे हैं बगैर किसी वजह के, तो वो इलीगल हो जाएगा। अदरवाइज देन को मैंने बोल्ड किया, अदरवाइज देन इन प्रोविजन ऑफ एक्ट, इस एक्ट में जो प्रोसीजर बता दिया कि स्ट्राइक होगी, लॉकआउट होगा, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का क्या काम है, आर्बिट्रेटर का क्या काम है, कंसीलिएटर का क्या काम है, उसके बाहर, उसके एम्बिट के बाहर जाएंगे, तो वो जो चीज़ है वो इलीगल होगी, वो स्ट्राइक हो या लॉकआउट हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होगा, एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी मसला, किन के दरमियान, तीन उन्होंने कंडीशन बताई, ई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर, दो एम्प्लॉयर्स के दरमियान, एम्प्लॉयर्स या वर्कमैन के दरमियान, वर्कमैन एंड वर्कमैन के दरमियान होगा।
जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा विच इज कनेक्टेड विद, जो कि कनेक्ट हो एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ एनी पर्सन. बेसिकली डिस्प्यूट कब आएगा कि जब अगर एक एम्प्लॉयर और वर्कमैन वाला लेने कि एम्प्लॉयर ने उसे कहा कि आप एम्प्लॉयर हो गए, आप ज्वाइन कर लें, आप जाते हैं तो वो कहते हैं हमने तो एम्प्लॉय नहीं किया, आपने पिछली नौकरी भी छोड़ दी. एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया, या फिर वो कहता है कि आपने पहले उसने लिखवा लिया कि आपने 9 घंटे 10 घंटे काम करना है, वो आपसे 15 घंटे काम ले रहा है, तनख्वाह आपको उतनी दे रहा है, तो वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गई, इस पर कोई डिस्प्यूट आ सकता है. कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ एनी पर्सन, आप किसी खतरनाक जगह पे काम करते हैं लेकिन आपको वो डेंजर अलाउंस देते ही नहीं, आप वो डिमांड करने गए हैं, तो कंडीशन जो वर्क कंडीशन रिलेट हो गई यहाँ पे, तो कोई भी ऐसा चीज़ जो आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशन ऑफ वर्क से रिलेट करे, उससे कोई मसला निकले, तो जब आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा. आपके घर के मसले, आपके पर्सनल लाइफ के मसले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है. बेशक वो जितना भी मैस लेवल हो, वो जितना भी आपको दुख पहुंचाए, लेकिन वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं हो सकता, वो जैसे भी आप कह लें. इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन डेफिनेशन है, ये भी आप नोट करें. इंडस्ट्री क्या होगी? कोई भी ऐसा बिजनेस, ट्रेड, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन. बिजनेस, ट्रेड, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन जो कि दो काम कर रही हो, या प्रोडक्शन ऑफ गुड कर रही हो या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है. और क्योंकि ये IRA 2012 इस्लामाबाद के लिए है, तो उन्होंने लिखा इन द ICT, इन द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी. और इसके ऑफिस हो सकते हैं, ये ट्रांस प्रोविंशियल हो सकता है. ट्रांस प्रोविंशियल का मतलब है एक ऑफिस इस्लामाबाद में, उसके बाकी प्रोविंसेस में भी ऑफिस हैं, तो ये ट्रांस प्रोविंशियल हो सकता है, फॉलिंग इन मोर देन वन प्रोविंस. लेकिन इसमें वो सारे बिजनेस जिनका पर्पस चैरिटेबल पर्पस के लिए है, वो फिर इंडस्ट्री नहीं होगी. इंडस्ट्री ऐसी होगी जो गुड्स प्रोवाइड प्रोड्यूस कर रही है, सर्विस दे रही है, उसके कोई लॉस या कोई प्रॉफिट आ रहा है. लेकिन अगर सिंपल चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी. इसमें इंडिया और पाकिस्तान के केसेस में बहुत बहुत बहस हुई है कि वेदर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री है या नहीं. हर किसी की अपनी थ्योरी होती है, उसमें उन्होंने डिफरेंट टेस्ट भी दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी. एक मेन केस है सीवरेज वाटर सप्लाई वर्सेज आर रजप्पा का केस है, तो वो भी बहुत लेंथी है, उसकी समरी 80-90 पेजेस की है, तो आप खुद उसको छेड़ने की कोशिश ना करें. लेकिन मेन ये केस है, उसमें बताया गया कि इंडस्ट्री जिम खाना वर्सेस या रावलपिंडी क्लब वर्सेस इस तरह फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इस तरह केसेस हैं, उनमें मेन बात ही की है कि जिम, हॉस्पिटल, एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्या वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आते हैं या नहीं. फिर जो काउंसिल्स होती है, उन्होंने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग लगता है. फिर इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन क्या होगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेड यूनियन इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हो सकती हैं, तो ट्रेड यूनियन हैविंग इट्स मेंबरशिप इन मोर देन वन प्रोविंस इन ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स. अब ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, एक ट्रेड यूनियन है, उसकी एक मेंबरशिप है मोर देन वन प्रोविंस, मतलब एक ही इंडस्ट्री के डिफरेंट प्रोविंसेस में ऑफिस है, उसमें उसकी मेंबरशिप है, तो आप उसको कह सकते हैं इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन owned by one employer. ये बार बार लिख रहे हैं कि एक इंडस्ट्री या ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आप तब कहेंगे उसी ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है सेम इंडस्ट्री का, जब उसका ओनर सेम हो, वन एम्प्लॉयर हो, ठीक है. इंस्पेक्टर जो भी अपॉइंटेड होगा अंडर दिस एक्ट, लेबर कोड के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश होगी, एस्टैब्लिश इन अ प्रोविंस. ये इन्होंने प्रोविंस नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी प्रोविंस नहीं है, लेकिन इन्होंने एक ही वो जो है वो फॉलो किया हुआ है. लॉकआउट की आई गेस मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, लेकिन लॉकआउट की जो है मेन, लॉकआउट और स्ट्राइक की वर्डिंग में आप देखें तो यही डिफरेंस है. लॉकआउट में बेसिकली वो रेफर करते हैं एम्प्लॉयर की तरफ. मींस लॉकआउट मींस क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट ऑफ सच प्लेस, या उसको क्लोज कर लें, सस्पेंड कर लें, पार्शली या कम्प्लीटली बंद कर दें, ठीक है. कौन करेगा? बाय एन एम्प्लॉयर, ठीक है. और वो रिफ्यूज़ करे फॉर द टाइम बीइंग, एब्सोल्यूट रिफ्यूज़ल हो, या कंडीशन लगा दे कि मैं इस कंडीशन पे ख़त्म करूँगा लॉकआउट अगर आप फॉलो करेंगे, तो ये जो है ये एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, तो इसको आप लॉकआउट कहेंगे. किसी बिजनेस को किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से इंटेंडेडली बंद करना, और उसका मेन पर्पज़ ये हो कि फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपेलिंग वर्कमैन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं कि वो सर्टन कंडीशंस
एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वो ये मसला ठीक होगा, दोबारा काम कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये लॉकआउट है, यहीं पे हम स्ट्राइक को पढ़ लेते हैं, बाकी हम बाद में देखते हैं क्योंकि इस मीटिंग का टाइम कम रह गया है। तो स्ट्राइक को जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्ट्राइक हमारे पास आगे है 30 जो सब सेक्शन है उसको देखते हैं, क्योंकि मेन अक्सर डिफरेंस स्ट्राइक और लॉग आउट का आता है, तो बीच में जो है हम उसको बाकियों को भी देख लेते हैं। स्ट्राइक क्या है? एसोसिएशन ऑफ वर्क, वहाँ पे था पार्शली या होली या सस्पेंड कर दिया एम्प्लॉयर ने, यहाँ पे सेसेशन मतलब रोकना काम का किससे? बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड से मुराद है वर्कमैन, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उन्होंने काम रोक दिया किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में। एक्टिंग इन कम्बिनेशन और कंसर्टेड रिफ्यूजल और रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये मिल के ट्रेड यूनियन वालों का फैसला था, या किसी एक मजदूर के साथ ज्यादती हुई, इसकी डेथ हो गई, या कोई और मसला हो गया, तो मिल के उन्होंने ये डिसीजन लिया है काम रोकने का। ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, कि वो वहाँ पे काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सर्टेन कंडीशन या जो म्यूचुअल कॉमन अंडरस्टैंडिंग की वजह से, कि कोई मसला हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, तो एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी है। लॉकआउट एम्प्लॉयर करेगा, स्ट्राइक जो है एम्प्लॉयज़ करेंगे। ठीक है, वापस हम अपने पॉइंट पर चले जाते हैं। इसके बाद सेटलमेंट की डेफिनेशन है, मेन जो इम्पॉर्टेंट है इसमें लॉकआउट ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों को पता है प्रिस्क्राइब अंडर रूल्स, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये एक एक वर्ड है कि अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट क्या होगी? कोई भी ऐसी सेटलमेंट जिस पे आप पहुंचे हैं इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और वो जो है मतलब आपने बात की, दो पार्टीज का डिस्प्यूट था, उनका एक एग्रीमेंट हुआ एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान, उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट नहीं है, और वो जो एग्रीमेंट है वो रिटन होगा, पार्टी साइन करेंगी, गवर्नमेंट को एक कॉपी दी जाएगी, एक कंसिलिएटर को और एक ऐसा पर्सन जो जिसको जरूरी था भेजना, तो ये कंडीशन है। आई गेस हमारे पास टाइम एंड हो गया है, तो हम नेक्स्ट मीटिंग में अभी इसको कंप्लीट करना है, कुछ डेफिनेशंस रहती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारी इसमें कवर हो गई है। लेस देन 1 मिनट आ रहा है भाई, आई होप कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं।